नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहां पर तेज़ी है। MCX पर गोल्ड का भाव 45,000 रुपये के करीब है। चांदी का भाव 67,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी में 200 रुपये तक की मजबूती है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें दबाव में हैं। ब्रेंड क्रूड का भाव $68 के करीब है, हल्की कमजोरी है। WTI क्रूड का भाव $64.5 के करीब है, 4/4% नीचे है। और MCX पर भाव 4700 रुपये के नीचे है। इसके अलावा चने में ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा है। 5,000 तक चने का भाव फिसला है, उससे नीचे भी आ गया है और 2.5% तक की गिरावट दिख रही है। हाल की तेज़ी के बाद मार्केट में एक मुनाफा वसूली दिख रही है। इसके अलावा सोयाबीन का वायदा 5400 के ऊपर टिक गया है, 5425 के करीब है। 3 महीने में 24% तक दाम सोयाबीन के बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा टर्मरिक में प्रॉफिट बुकिंग हावी है, 8550 रुपये तक भाव फिसल गया है, 2% तक की गिरावट है। 2 महीने में 52% तक दाम बढ़ गए हैं। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में आपको लगता है कि बाइंग करने का मौका है अभी? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, आज FOMC की बैठक है और बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी हुई है, उनमें उन्होंने हिंट्स दिए हैं कि जो पॉलिसी रहेगी काफी स्टेबल होगी और डविश स्टांस लेने की आशंका बनी हुई है, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर फिलहाल सपोर्टेड हैं और पिछले इनफैक्ट 2 या 3 सेशन से कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं डिप पे बाइंग की सलाह दूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 44,800-7,500 के करीब आके एक बाइंग हमें देखने मिलती है। आज भी मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ कि 44,850 के आसपास अगर मिलता है तो थोड़ा सा एक डीप स्टॉप लॉस 44,650 का रख के 45,150 से 45,180 के रीजन के लिए बाय किया जा सकता है। अच्छा, चांदी पर अमित जी आपका क्या व्यू है? चांदी में इस वक्त अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो तो उनको इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी देखिए, चांदी में गोल्ड से रिलेटिव अगर हमने देखा है तो क्योंकि बेस मेटल कल दबाव में थे तो हमने चांदी में बहुत बड़ा मूव नहीं आते देखा और आज भी मोर ऑर लेस साइडवेज टू हायर है। लेकिन डिप पे जरूर मैं बाइंग की सलाह दूंगा, क्योंकि 46,700 से 800 के रीजन में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। तो 46,850 के करीब मिलता है तो मैं बाइंग इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। और अपसाइड में मुझे लगता है जो रिसेंट हाईज हैं वो दोबारा हमें दिखाई दे सकते हैं 67,850 के आसपास। तो ये मूव आज के बाजार में आने की उम्मीद लग रही है चांदी। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी चांदी के ऊपर। क्रूड में आपका नया व्यू क्या है? क्रूड में आपको लगता है कि अभी ट्रेड लेना चाहिए, पहला सवाल तो ये, और अगर ट्रेड लेना चाहिए तो किस तरह का ट्रेड, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड? जी देखिए, पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है कि क्रूड में ऊपरी स्तरों पे दबाव बनता हुआ दिखा है। आज भी हमने देखा कि लगभग ऑलमोस्ट 50 रुपए या 45 रुपए की तेजी के बाद ऑलमोस्ट 30 से 35 रुपए डाउन हो चुका है, तो ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं रही है तेजी। तो मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह दूंगा। हालांकि कुछ ही समय पहले 4,700 के भाव थे, अब ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो मैं कहूंगा कि रिवाइज टारगेट या रिवाइज एंट्री 4,690-4,595 की रीजन में ली जा सकती है सेलिंग के लिए, 4,740 के स्टॉप के साथ में। और डाउनसाइड में जो कल हमें लोज देखे थे 4,630 के आसपास, उसके भी नीचे हम प्राइसेस को फिसलता हुआ देख सकते हैं। तो 4,610 से 4,600 के टारगेट लेकर बिकवाली करके चला जा सकता। ठीक है, नेचुरल गैस में भी आपको लगता है कि अभी बेचकर चलना ही ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो विंटर सीजन है वो ऑफिशियली अभी खत्म हो चुका है और विंटर सीजन के दौरान भी हमने 1 या 2 हफ्ते के अलावा बहुत बड़ी तेजी बिल्डअप होते हुए नहीं देखी, या तेजी आई भी थी तो सस्टेनेबल नहीं थी। तो वहां से लगातार फिसल रही है प्राइसेस और मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये करीबन प्राइसेस को ओवरऑल 175 तक भी लेके जा सकती है। फिलहाल 186 के आसपास प्राइसेस हैं, तो प्योरली इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस मैं जब तक 190 के नीचे है तब तक सेल की सलाह देना चाहूंगा 187 के आसपास,
और डाउन साइड में 180 का जो रीसेंट लो था वो रीटेस्ट होने की संभावना बनी। ओके, एल्युमिनियम पर आपका क्या नया व्यू है? क्या एल्युमिनियम में आज शाम के कारोबार के लिए ट्रेड लेना ठीक है इस प्राइस पर? जी देखिए, एल्यूमिनियम में हमने पिछले 3 या 4 सेशन में एक अच्छी तेजी बिल्डअप होते हुए देखी है। 170 से लगातार एक रिकवरी हमें देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाइस थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं, तो 177-177.50 ये लेवल्स दोबारा दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी थोड़ी बहुत ऊपर आ चुकी है। तो मैं फ्रेश ट्रेड ये देना चाहूंगा कि 175.20 के आसपास एंटर किया जाए डिप पे, 174 के स्टॉप के साथ, और 177.50 का एक अपडेटेड टारगेट लिया जा सकता। ओके, ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, क्रूड में पहले 5,000 या पहले 4,000 क्या ट्रेंड रहेगा? हाँ, क्रूड में पहले 5,000 या पहले 4,000, बताइए अमित जी। जी देखिए, हालांकि शॉर्ट टर्म दबाव में है, लेकिन ऐसे करेक्शन हमने पहले भी देखे हैं, तो इमीडिएट करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि क्रूड में दोबारा तेजी आ सकती है, तो मैं पहले 5,000 की तरफ रुख करना चाहूंगा। यानी डिप आती है 4,550 4,600 के बीच, तो वहां से दोबारा तेजी लौट सकती है, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, अगला सवाल है विष्णु अग्रवाल का। पूछिए अग्रवाल साहब। चरण आपके 45-40 हो जाएगा? सवाल दोहराएंगे अपना। कहने की पूछ रहा हूँ सर, क्या 45-40 रुपये चने बिक सकते हैं क्या? अच्छा, चने चने में क्या अभी और गिरावट आ सकती है क्या अमित जी? जी देखिए, फिलहाल 100 रुपये की और गिरावट डेफिनेटली दिखती है, 4,930 तक, यानी एग्जैक्टली 100 रुपये करंट मार्केट से एक बार बाजार आ सकता है, क्योंकि मुनाफा वसूली आनी चाहिए, लेकिन बहुत लंबी बिक वाली फिलहाल नहीं दिखती। मुझे लगता है 4,930 से 20 के रीजन में फिर से दोबारा बाइंग लौटेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।